हाय डियर्स, आज की टॉपिक कि एक फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के तीन इम्पॉर्टेंट सर्विसिंग स्टेप्स कि उनको सर्विस करने से वॉशिंग मशीन के अंदर वो तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सीखते हैं इस वीडियो में। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सर्विसिंग टिप्स नंबर वन कि जब आप वॉशिंग मशीन के पावर प्लग को ऑन करके स्टार्ट करते ही वॉशिंग मशीन पानी लेना स्टार्ट करती है। अगर वॉशिंग मशीन पानी बहुत स्लो ले रही होगी तो वॉशिंग मशीन का वॉश टब बहुत लेट फिलअप होगा। कि किसी भी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में ड्रम फिलअप होने का मैक्सिमम टाइम अप्रोक्सीमेट 10 मिनट ही होते हैं। अगर वॉशिंग मशीन का वॉश ड्रम 10 मिनट में फिलअप नहीं हो जाएंगे तो वॉशिंग मशीन अपने डिस्प्ले में IE का एरर दिखाएगी। I का फुल फॉर्म है इनलेट और E फॉर एरर। IE यानी इनलेट एरर यानी IE का डिस्प्ले करते हुए वॉशिंग मशीन होल्ड रहती है, वॉशिंग नहीं होती है। तो इसका फॉल्ट है कि इनका इनलेट से आने वाला पानी का फोर्स बहुत स्लो होना, जिससे पानी लेट फिलअप होते हैं तो वॉशिंग मशीन में हो रहे ऐसे फॉल्ट का सॉल्यूशन है, जिसके लिए वॉशिंग मशीन के इनलेट वाटर टैप इनको बंद करें और वॉशिंग मशीन के इनलेट फिल्टर को क्लीन करने के लिए पाइप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इनके अंदर लगे हुए फिल्टर को क्लीन करके किसी ब्रश से क्लीन करें और इनको वापस इन्हीं की जगह पर फिटिंग कर देने से और इनके इनलेट पाइप को वापस टाइट कर देने से फिर जब वॉशिंग मशीन के पावर को ऑन करके और फिर जब इनके स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वॉशिंग मशीन अब जब पानी लेगी तो आप देखेंगे कि पानी के फोर्स काफी बढ़ चुके होते हैं। अब वॉशिंग मशीन का ड्रम जल्दी फिलअप होगा और इनके डिस्प्ले में IE का एरर नहीं आएगा और वॉशिंग मशीन कंप्लीट वॉश करेगी। तो इस तरह से फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के इनलेट को क्लीन करके इनको सर्विसिंग करके इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अब फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन के सर्विसिंग करने का रीजन नंबर दो कि फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में हम जब भी कपड़े वॉश करते हैं और ड्रम के अंदर वॉश हुए कपड़े को जब हम निकालते हैं तो इन कपड़ों के ऊपर कुछ व्हाइट डर्ट के स्पॉट अगर दिखाई देते हैं, जो आप इस तरह से देख रहे हैं, अगर ऐसे कुछ डार्क कलर के कपड़ों के ऊपर दिखाई देते हैं वो वॉशिंग मशीन के ड्रम के आउटर साइड से जो डर्ट के लेयर इकट्ठा होते हैं, वे डर्ट कुछ दिनों तक वॉशिंग मशीन इस्तेमाल ना करने से जब ड्राई हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं और फिर जब हम कभी वॉशिंग मशीन को वॉशिंग के लिए स्टार्ट करते हैं तो वे ड्रम के अंदर से छूटने वाले डर्ट बहुत हार्ड हो चुके होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी पानी में घुलते नहीं, और वे वॉश होने वाले कपड़ों के ऊपर व्हाइट स्पॉट के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए कि वो इनर ड्रम और आउटर ड्रम के बीच में ही वो डर्ट इकट्ठा होते हैं। इसलिए कि हम इनर और आउटर दोनों ड्रम के बीच में हमें हाथ को डाल करके क्लीन करने के चांसेस नहीं रहते हैं। यहाँ पर स्पेस इतना ही रहते हैं कि ड्रम आसानी से रोटेट हो सके बस। और दूसरा कि जब हम कपड़ों को निकाल करके और कपड़े निकालने के बाद जब इनके वॉश पल्सेटर स्क्रू ड्राइवर से इनके नट को खोल करके जब आप खोल करके देखते हैं तो यहाँ पर काफी डर्ट इकट्ठा रहते हैं। तो हमें इनको मैन्युअली क्लीन करना पड़ता है, जिन्हें हमें साफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम इनको सर्विसिंग करने की टिप्स बताना चाहूंगा कि आप अपने वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पावर प्लग को ऑन करके और वॉशिंग मशीन के पावर वाले बटन को ऑन करें, वॉशिंग मशीन के इनके वाटर लेवल वाले बटन को दबा दबा करके हाई लेवल को चूज करें। जब वाटर लेवल हाई लेवल तक इंडिकेटर दिखाने लगे तो वॉशिंग मशीन के स्टार्ट बटन को प्रेस करें और अब वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर जब पानी हाई लेवल तक भर जाए तो आप हमारे ड्रम को क्लीन करने के लिए मेजरमेंट को देखें। हमने लिया है एक चाय के कप के बराबर भरे हुए ब्लीचिंग पाउडर, डर्ट और स्टेन को क्लीन करने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो आप इसमें एक कप भर करके अप्रोक्सीमेट 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को इसमें डालें और दूसरा हम यूज करेंगे इसमें हाफ कप यानी आधे कप वॉशिंग पाउडर हम इसमें यूज करें। अब इनके टॉप लिड को क्लोज करके वॉशिंग मशीन के स्टार्ट बटन को प्रेस करें और वॉशिंग मशीन को
स्टार्ट कर दें। और याद रखें, वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भी कपड़ा नहीं डालना है। विदाउट क्लॉथ फुल ड्रम वाटर लेवल पे वॉशिंग मशीन को पूरे साइकिल इनके वॉश रिंस स्पिनिंग पूरे कंप्लीट होने दें। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहे फ्रंट लोड हो या टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन हो, उनके ड्रम को क्लीन करने के लिए हमने वॉशिंग मशीन ड्रम स्केलिंग पाउडर या लिक्विड को ऑनलाइन परचेस करने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे चुके हैं। आप चाहें तो उस लिंक्स पे फॉलो करके वॉशिंग मशीन ड्रम स्केलिंग पाउडर या लिक्विड्स आप अपनी डोर स्टेप पर भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के वॉश ड्रम की क्लीनिंग कर देने से वॉश होने वाले कपड़ों पे डर्ट नहीं दिखाई देते हैं और कपड़े अच्छे वॉश होते हैं। और अब फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में सर्विसिंग कर देने से सॉल्व हो जाने वाली वो प्रॉब्लम नंबर 3, वो ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्हें सर्विसिंग कर देने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हाँ, वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम इंडिया की कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखें, अगर आपकी सिटीज में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हो तो आप हमारे इस 9833337777 कॉन्टेक्ट नंबर पे डायल करके हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं, जो आपकी वॉशिंग मशीन में ही नहीं घर के सारे बड़े अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्टरी सॉल्व करें। और अब फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में सर्विसिंग कर देने से सॉल्व हो जाने वाली वो प्रॉब्लम नंबर 3, वो ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्हें सर्विसिंग कर देने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि आपकी वॉशिंग मशीन पावर को ऑन करते ही कि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े वॉश होने लगते हैं। तो इस तरह से विदाउट पानी के वॉश हो जाने वाली जो प्रॉब्लम है कि वॉश पल्सेटर का मूवमेंट होने लगता है, ये कपड़े वॉश करने लगते हैं लेकिन वॉशिंग मशीन के अंदर पानी नहीं रहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉशिंग मशीन के पीछे इनके बैक कवर को कुछ इस तरह से खोलें और वॉशिंग मशीन के प्रेशर सेंसर ट्यूब के इनके नोजल के अंदर डर्ट इकट्ठा हो जाने से, गंदगी इकट्ठा हो जाने से ड्रम के अंदर वाटर लेवल की सेंसिंग फेल हो जाती है। इन नोजल के अंदर से पानी के प्रेशर इस ट्यूब के अंदर से वाटर प्रेशर सेंसर स्विच को जाते हैं, जिससे वाटर प्रेशर सेंसर स्विच की कनेक्टिविटी बन जाने से वॉश मोटर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ये इनके नोजल डर्ट से ब्लॉक हो जाएंगे तो इनके अंदर से पानी इस ट्यूब के अंदर नहीं जा पाता, जिससे ड्रम के अंदर वाटर लेवल की सेंसिंग नहीं हो पाती है। तो हमें चाहिए कि इस नोजल के अंदर किसी फ्लेक्सिबल वायर से इनके अंदर इनको डाल करके खूब अच्छा क्लीन करें, और ये ट्यूब भी अगर ब्लॉक हो गए हैं तो इनको भी क्लीन करें, फिर इस ट्यूब को इनके अंदर फिटिंग कर दें और इनके क्लिप्स के इनके ऊपर चढ़ा करके टाइट कर दें। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन के प्रेशर सेंसर नोजल ट्यूब को सर्विसिंग कर देने से वॉशिंग मशीन नॉर्मल चलने लगती है। होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस से क्वालिफाई होने के लिए हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।